ओके सो हे गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करने वाला हूँ सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी का जो मॉडल होगा गाइस उसका बैकग्राउंड को आपको पहले एरेज कर लेना है। एंड इसको एरेज करने के लिए गाइस आप सबको लेकर चले जाना है ड्रॉ टूल में। एंड ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद आपको लेयर को ऊपर कर लेना है। एंड आप इरेजर पे जाकर आप सभी को ब्रश को स्मूथ वाले सॉरी हार्ड वाले ब्रश को ले लेना है, ठीक है। एंड जो उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है एंड ऐसा फटाफट से इरेज कर लेना है। आप सभी को यहाँ पे पहले तो फोटो को जूम कर लेना है। एंड फोटो को जूम कर लेने के बाद गाइज आप सभी को यहाँ पे थोड़ा इरेजर लेके एंड ऐसे इरेज करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा गाइज कि मतलब कि आपकी जो बॉडी है वो मतलब कि जो रियल बॉडी आपकी वो आ जाएगी, जो आपका मॉडल होगा उसकी बॉडी आ जाएगी एंड जो पहले वाला मॉडल था वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे इरेज कर लेना है एंड यहाँ से हम नीचे से भी इरेज कर लेते हैं एंड यहाँ से भी, ठीक है गाइज। तो आप सभी को कुछ स्टेप से ऐसे कर लेना है। एंड अगर आपको कोई हिस्सा अगर छूट भी जाता है तो गाइज उसके बारे में मैं अभी आप सभी को वीडियो में बता दूंगा कि मतलब आपको क्या करना है फिर वहाँ पे। तो गाइज हम इधर से भी रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी मतलब कि यार मतलब कि मैंने मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगा कर आप सभी के लिए ट्रिक बनाई है। मतलब कि यार मुझे पता है कि काफ़ी लोगों से फोटो एडिट नहीं भी हुई है, तभी आप सभी का मैंने मतलब आप सभी ने मेरे से डिमांड की थी कि भाई इसका ट्यूटोरियल लेकर आओ, हमें भी ऐसी फोटो एडिट करनी है। तभी मैंने गाइस मैंने सोचा कि मतलब कि आप सभी से बहुत लोगों ने वीडियोज़ बनाई है इसमें, मैं उन लोगों से मतलब कि आपको अच्छे तरीके से वो लोग समझा नहीं पाए। मैंने भी वीडियोज़ को वॉच किया था बट मैंने जो देखा मेरे को लगा कि मतलब कि यार ये वाली ट्रिक तो मतलब आपको बतानी चाहिए, ये मतलब कि जो अलग ही हो और जिससे आप इजीली आप ऐसे मतलब फोटो सेम एडिट कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब कि ऐसे जब आपका तलवार का पिंजी भी लग जाएगा गाइस, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आप सभी को ऊपर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस देखिए आपके जो हैंड है वहाँ पे उसको थोड़ा सा हमें यहाँ पे उसको फील करना है। तो यहाँ पे हम इस वाले टूल में जाने के बाद हम ऐसे फोटो को जूम करेंगे एंड यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद हम कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा जो मतलब हैंड जो हमारा वो भी मतलब कि पूरा फील हो चुका है यहाँ पे,
ठीक है, तो आप सभी को जिस टाइप से कर देना है एंड आप सभी को डन कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, अब आप सभी को यहाँ से चले जाना है ऐड फोटो में, ठीक है। आप सभी को मैं एक पीएनजी दूंगा, आप सभी को उसको यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ से हम चलते हैं एंड उस पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को उस पीएनजी को जो गाइस आपको कुछ इस टाइप से ऐसे ऐड कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को ऊपर से डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को इस फोटो को कर लेना है सेव, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से बैक चल देना है एंड यहाँ से लेके चलना है इसको लाइट रूम ऐप में। एंड यहाँ पे ले जाने के बाद आप सभी को फिर क्या करना, आपको चले जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में, नीचे आप सभी को दिख रहा होगा। एंड उसके बाद आप सभी उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, हाईलाइट को जो है गाइस माइनस कर देना है, शेडो को आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना है, एंड जो व्हाइट है इसको कम कर देना है, एंड ब्लैक है उसको भी कम कर देना है। फिर चले जाना कलर्स वाले ऑप्शन में, फोटो की जो वाइब्रेशन का जिसको भी बढ़ा देना है, एंड फोटो का जो टेम्परेचर इसको आपको कम कर देना है। एंड चले जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड इसका जो येलो कलर है इसका ह्यू माइनस कर देना है, एंड सैचुरेशन भी माइनस कर देना है। फिर इसके बाद आपको ब्लू कलर में चले जाना है, इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ पे डन कर देना है एंड चले जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में। फोटो की जो क्लियरिटी है आप सबको उसको बढ़ा देना है, एंड फोटो में जो विग्नेट है वो हल्का सा डाल देना है, एंड नीचे स्क्रॉल करना आपको ग्रेन अमाउंट मिल जाएगा, आपको उसको भी बढ़ा देना है। एंड चले जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है इसको बढ़ा देना है, एंड कैसे फोटो में नॉइज रिडक्शन आप सभी को उसको बढ़ा देना है, एंड जो कैसे कलर नोट रिडक्शन आप सभी को उसको भी बढ़ा देना है। तो कैसे फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने, तो कैसे आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए कैसे मैं मिलता हूँ सबसे किसी और नई वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।